1.5 इंच वुड लगा है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेसिंग किया गया है सर। ओके, तो यही चीजों से रेट में भी थोड़ा सा वेरी करते हैं रेट। बिल्कुल जी जी, ये रॉ मटेरियल अभी इतना अच्छा दिख रहा है, जब इस पर डीको पेंट होता है तो फिर ये चीजें दिखती हैं कि असल में एक्चुअल है क्या चीज। और इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, ये जाली पूरी काटी गई है, जो पुराने टाइम में जो इसकी आर्ट थी हमारी, वो आर्ट दर्शाया जाता है। सर काउच है सर, 3 सीटर काउच है पूरा, देखिए कितना इसमें जाली का, मतलब कितना टाइम लगता होगा सर, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सर सबका मैचिंग किया जाता है, फिर इसका एक काउच बना है मैचिंग के हिसाब से। मैचिंग क्या होता है मैं बताता हूँ, और ए ग्रेड, तो ये ए ग्रेड आप समझ सकते हैं कि जिसमें ग्रेन्स दिखेंगे और वाइटनेस ना हो, माल से हाथ से फिनिशिंग करते हैं तो फिर फिनिशिंग भी अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात देख रहे हैं दोस्तों इस तरीके से। हाँ, तो जल्दी में कोई भी काम नहीं किया जाता। और उसके बाद ये जैसे पॉलिश होती है यहाँ पर, जी जी, ये अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब अभी ये फाइनल नहीं है, ये कलर चढ़ाया जा रहा है। कलर चढ़ाया जा रहा है जी जी। ओके, कस्टमर का जैसा ऑर्डर आता है वैसा ही काम किया जाता है। तो गोल्डन पॉलिश कराइए, नेचुरल टीक कलर कराइए, ये टीक का लकड़ी है लेकिन कस्टमर ने इस पे शीशम पॉलिश कराया। अच्छा, रेड में कराया है। रेड में करा, उनका टेस्ट ही मतलब ऐसा था तो वैसा ही बनाया गया। आदर आदाब, अभिनंदन आभार, मैं मानस और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सफरनामा में। दोस्तों वीडियो होने वाली एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ज़ोरदार धमाकेदार शानदार वीडियो हमेशा की तरह आज आप लोगों के लिए मैं फिर से लाया हूँ। तो आप लोगों की खासी डिमांड आ रही थी कि भाई आप लोगों को फर्नीचर्स दिखाया जाए, तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक मैन्युफैक्चरर के पास। देख सकते हैं इस तरीके से फैक्ट्री दे रखी है पूरे, देखिए फर्नीचर्स आप लोगों को एक से एक ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। और ऐसे ऐसे फर्नीचर नहीं दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से कार्विंग वुड वाले फर्नीचर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन जो कारीगरी है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और ये सब मिलेगी कहाँ पर, सहारनपुर में। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को टीक वुड शीशम वुड में देखिए इस तरीके से बेहतरीन कारीगरी के साथ, देखिए आप लोगों को कार्विंग वर्क के साथ फर्नीचर यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ सहारनपुर वुडन फर्नीचर पे। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ओनर से, देखते हैं क्या क्या वेराइटीज़ है, क्या क्या प्राइसिंग है, आप लोगों को अगर कुछ मंगाना है यहाँ से, ऑनलाइन डिलीवरीज करनी है तो कैसे करेंगे, सारा कुछ बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों सहारनपुर वुडन फर्नीचर से भैया मेरे साथ, नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, क्या नाम है सर आपका? आमिर मेरा नाम है सर। ओके, और हमारी कंपनी का नाम सर सहारनपुर वुडन फर्नीचर है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए ये पूरी फैक्ट्री सर की यहाँ पे दे रखी है। और सर यहाँ पे मतलब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी फर्नीचर से देखिए पूरे स्ट्रक्चर फ्रेम वगैरह रखे हुए हैं, तो क्या क्या बनाते हैं सर यहाँ पर आप? सर फर्नीचर में तो सभी चीज़ें बनाते हैं, डाइनिंग टेबल, सोफा, बेड, झूला, सब ऑर्डर पे ही बनाते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो भी कस्टमर को प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, और सारे वुडन ही फर्नीचर होते हैं यहाँ पर ज्यादा? जी, सॉलिड वुड में, टीक वुड और शीशम वुड बस। सहारनपुर बेसिकली फेमस ही आप लोगों के देखिए कार्विंग वर्क के लिए है, और यहाँ पे फर्नीचर की आप लोगों को एक से एक बेहतरीन वैरायटी मिल जाएगी, मतलब मैं कहूँ तो वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। जी, कार्विंग फर्नीचर के लिए। बिल्कुल जी, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी रेंज आप लोगों को फर्नीचर से रिलेटेड मिल जाएगी। सर बात करूँ तो अपना कितना पुराना काम दे रखा है ये? सर पुराना काम तो हमारा लगभग आप समझ के चलिए जितना मैं जानता हूँ 40 साल से है, क्योंकि पुराने 3 पुश्तें चली गई। अच्छा जी, दादा, मेरे पापा, फिर मैं इसमें लगाऊँ। बिल्कुल जी। तो दोस्तों देखते हैं मतलब काफी पुराना सर का काम दे रखा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मास्टर्स दे रखे हैं सर यहाँ पर फर्नीचर्स के मामले में। और प्राइसिंग आप लोगों को एकदम बेसिक मिलने वाली है, मैं कहूँ तो सर एकदम फैक्ट्री रेट में मिल जाएगा माल? बिल्कुल फैक्ट्री प्राइस पे ही मिलेगा सर। और आप मेरे काम को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करके इस काम में आया हूँ। अच्छा जी, क्या बात है, तो ये फैमिली बिजनेस है। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सर जैसे मान लीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड से देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है, डिलीवरीज आप करा देते हैं कोई कहीं पे भी मंगवाना चाहे तो? सर आधे कस्टमर से ज्यादा जो होते हैं वो फोन पे ही ऑर्डर देके होता है उनका। अच्छा, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग नहीं भी आते हैं, ठीक है, लेकिन उनका काम पूरा हो जाता है। जैसे कि कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उनको अपडेट दिया जाता है, ड्रॉइंग, स्ट्रक्चर, आपका वुड क्या यूज हो रहा है, ग्रेड लगा रहे हैं, बी ग्रेड लगा रहे हैं, जो डील होता है पूरा उनको दिखाया जाता है प्रॉपर, फिर उनका डिस्पैच होकर घर पे। मतलब डिलीवरीज ऑल ओवर इंडिया दे रखी है? जी, ऑल ओवर इंडिया, केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक। जी, मतलब कस्टमर मंगाते हैं आपसे? जी, केरला का भी काम चल रहा है, मैं जो अंदर दिखाने वाला हूँ फिर बाद में। चल ठीक है जी। ओके, दोस्तों देखते हैं हर तरीके से, देखिए आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी दे करके कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने फर्नीचर को, और डिलीवरीज आप लोगों को बिना आए मिलने वाली घर बैठे, मतलब सहारनपुर की लकड़ी का माल देखिए आप लोगों को घर बैठे मिलने वाला, मतलब इससे अच्छी बात क्या होगी? सर ऐसे ट्रस्ट के लिए आप हमारे प्रोडक्ट देखना पसंद करेंगे कि हम क्या बनाते हैं, हमने पिछले लोगों को क्या दिया है, फिर तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर वो प्रोडक्ट देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर जब कस्टमर के घर जाने से पहले उसका वीडियो
शूट होता है, हमारा यूट्यूब चैनल है सहारनपुर वुडन फर्नीचर के नाम से। सर आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना, तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी करिए, आप सर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, वहाँ पर आप लोगों को वीडियोज मिलती रहेंगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं कौन सा फर्नीचर बना है कौन सा जा रहा है। सर क्वालिटी भी पता चल जाती है कि कस्टमर को कि हम क्या चीज़ देते हैं। बिल्कुल जी, अभी कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर? सर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कंसोल टेबल फ्रेम है, जो कि पूरी टीकवुड में बनी है, कार्विंग डिटेलिंग कार्विंग किया गया है इसके अंदर। अच्छा जी जी, ये ए ग्रेड टीकवुड में बनाया गया है, और ये इसका स्टूल है आगे जो कि इस पर कुशनिंग होगी, तो आदमी स्टैंड करके बैठ सकता है इस पर इजिली। कस्टमर का ऐसा ही डिमांड था तो बनाया गया है, मतलब मेड टू ऑर्डर का पूरा देखिए इस तरीके से मिल जाएगा। झारखंड का ऑर्डर है सर। अच्छा जी, अभी हमें लगभग हर स्टेट से ऑर्डर चल रहे हैं सर, क्योंकि दिवाली के लिए मंदिर का भी ऑर्डर आ रहा है हमें। अच्छा अभी जी, क्या बात है, काम देखिए दोस्तों इस तरीके से देखिए, शानदार वर्क पूरा कर रखा है, मतलब बारीकियां देख सकते हैं दोस्तों, फिनिशिंग देखिए। अगर ये एक लीफ का एक डिज़ाइन है तो लीफ के कॉर्नर पे देखिए कितना फिनिशिंग आप लोगों को देखिए यहाँ पर पूरी मिलने वाली है। सर अभी डायरेक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग से आया है मतलब प्रोडक्ट, अभी अच्छा। इसकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा है, फिर ये रेकमाल से ऐसे घिसाई होती है प्रोडक्ट की, जैसे ये कर रहे हैं मेरे कारीगर लोग। अच्छा जी, फिर इसको मतलब ऐसे अगर आप इतनी इसकी रेकमाल से हाथ से फिनिशिंग करते हैं तो फिर फिनिशिंग भी अच्छी आती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। हाँ, तो जल्दी में कोई भी काम नहीं किया जाता, और उसके बाद ये जैसे पॉलिश होती है। जी जी, ये अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब अभी ये फाइनल नहीं है, ये कलर चढ़ाया जा रहा है। कलर चढ़ाया जा रहा है जी जी, ओके। कस्टमर का जैसा ऑर्डर आता है वैसा ही काम किया जाता है सर। क्या बात है, ये देखिए उस तरीके से कार्विंग वर्क आप लोगों को एक से एक आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। जी जी, और इसका ये सर टेबल देख सकते हैं कितना हैवी, कितने थिक वुड में बना रखा है, ये देखिए आप लोग। सर वो प्राइसिंग में भी उसी चीज से फर्क आता है, आप इसकी अगर फ्रेम की मोटाई देखें तो 2.5 इंच तक है सर। अच्छा 2.5 इंच की है, डेढ़ इंच वुड लगाया गया उसके ऊपर प्रेसिंग किया गया है। ओके, तो यही चीजों से रेट में भी थोड़ा सा वेरी करते हैं रेट। बिल्कुल जी जी, क्या बात, लेकिन मिलेगा आपको फैक्ट्री प्राइस पे, रेट में आपको रीजनेबल ही मिलने वाला है। जी जी, ये देखिए दोस्तों टेबल में भी देखिए, देखिए इस तरीके से पूरी डिजाइनिंग, मतलब कोई भी मुझे लगता नहीं कि कॉर्नर कोई छोड़ा गया हो कार्विंग वर्क के लिए, देख सकते हैं। और लेग भी देखिए सर, इसके ओरिएंटल लेग है, कर्व देखिए, तो इससे ये पूरा टीकवुड ही दे रखा है सर। टीकवुड है सर, यहाँ पे भी टीकवुड दिया गया, नहीं तो यहाँ पे लोग MDF भी दे देते हैं, लेकिन हम पूरा टीक में ही काम करते हैं। क्या बात है, जो वुड ज्यादा यूज होती है ना वो कर्व से होती है, जैसे ये मैं जितना इसको कर्व दूंगा उतना ही ये मतलब इसका इंच में निकलता है ना, ये पाया जो है ये इंच के हिसाब से निकलता है, 6 इंच 5 इंच या 4 इंच में भी काम हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये 6 इंच में हम करते हैं, ऐसा रहता है। ये और यही सेम कंसोल फ्रेम ये ऑर्डर का चल रहा है अभी, फिनिशिंग अभी इसकी फिनिशिंग सर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फिनिशिंग इसमें किया गया है। अभी क्या है ना, रेकमाल से हाथ से काम किया गया है, तो अभी इसमें पॉलिश होना बाकी है। सरफेस दोस्तों आप लोग देखिएगा, कोई भी सरफेस देखिए पूरा स्मूथ हो गया है यहाँ पर, ये देखिए मतलब कहीं से भी आप लोगों को धारदार वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए डिजाइन देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए फिनिशिंग देखिए सर, ये रॉयल फर्नीचर होता है, घर में जाने के बाद रॉयल फीलिंग देता है। प्लेन फर्नीचर आपको अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारी स्पेशल खासियत है जी वो कार्विंग वर्क है, जो कहीं पे नहीं मिल पाता है, सहारनपुर के अंदर ही आपको मिलता है और अच्छे प्राइस में मिलता है। अगर आप बाहर लेते हैं तो फिर प्राइसिंग भी हाई हो जाते हैं, डबल ट्रिपल प्राइस हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल और लोएस्ट प्राइस आप ये कह लो फैक्ट्री प्राइस पे, देखिए इस तरीके से फर्नीचर की काफी ह्यूज रेंज ह्यूज वैरायटी आप लोगों को सर के पास यहाँ मिलने वाली है। सर आइए मैं आपको डाइनिंग टेबल दिखाता हूँ, 6 सीटर राउंड डाइनिंग टेबल, लखनऊ का ऑर्डर है सर। अच्छा, और इसकी आप फिनिशिंग देखिए, टीक वुड ही है ये भी। अच्छा जी। हमारे पास 70% ऑर्डर टीक वुड में रहते हैं, 30% शीशम वुड में रहते हैं। ओके जी जी, कार्विंग वर्क जो ज्यादा अच्छा होता है वो टीक में होता है। टीक में होता, राइट। जी जी, आप इसका नीचे का दिखाइए, इसका जो पिलर है वो बहुत हैवी दिया गया है, देखिए ये वुड में बनाया गया, देखिए बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार, देखिए आप लोगों का पूरा फ्रेम बना रखा है नीचे से सर, बहुत ही बेहतरीन। ये रॉ मटेरियल अभी इतना अच्छा दिख रहा है, जब इस पे डीको पेंट होता है तो फिर ये चीजें दिखती हैं कि असल में एक्चुअल है क्या चीज़। राइट। अच्छा, ये जो डिजाइन वगैरह ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये पूरा टीक वुड का ही देखिए पूरी आप लोग। सर देखिए, लोग क्या है ना यहाँ पे आप हल्की वुड लगा देते हैं, लेकिन हम पूरा टीक में ही है, ये अंदर का भी ये चीज भी अंदर की भी टीक है सर, पूरा टीक है इसमें, मतलब पूरा सॉलिड देखिए इस तरीके से। यूज नहीं है सर, जैसे आप बता रहे थे ए ग्रेड का टीक वुड है,
तो इसमें मतलब कैसे कोई डिफरेंशिएट कर सकता है कि ए ग्रेड है या लो ग्रेड है? सर मैं बताऊंगा आपको आने वाले 2-3 मिनट में, आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा जी। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए एक डाइनिंग टेबल यहाँ पर बहुत ही शानदार बन रखा है। ये कितने साइज का वैसे दे रखा है? ये 5 फीट का है ये सर। अच्छा 5 फीट का है, राउंड है 5 फीट जी। जो इसकी रेडियस है वो 2.5 का। और चेयर सर इसमें कितनी आ जाएंगी? 6 चेयर का है सर। अगर आपको मतलब 8 सीटर 10 सीटर 4 सीटर वो तो कस्टमर के हिसाब से ही बनाया जाता है, जो कस्टमर हमें बोलता है वैसा ही वैसा बना देते हैं। ठीक बात है, मतलब वैरायटीज आप लोगों को सारी मिल जाएगी। ठीक है जी सर, अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको झूला। ठीक है, जो कि झारखंड का ही है, कि कस्टमर का ऑर्डर है ये, जो जो एक ही कलर में होके रखा है। अच्छा, इसकी आपको खासियत दिखाता हूँ। टीक वुड में कार्विंग अच्छी कैसे होती है और बेकार कैसे होती है बता देता हूँ। जैसे ये टीक वुड में कार्विंग किया गया, देखिए कितनी मतलब कार्विंग भी है लेकिन कितनी लाइट है, मतलब लाइट कार्विंग है। इसमें टाइम लगता है और कारीगर को कहना टाइम लगता है इसमें, तो इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी अच्छी आती है। यही काम मैं जल्दी में भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर ये जो इसकी इसकी लेयर है ना वो मोटी बन जाएगी। जी जी यही काम बस। और आप इसकी छत में भी देख सकते हैं पूरा काम किया गया है, मतलब यहाँ पर भी वर्क है। जी जी यही तो, इसीलिए कॉस्टिंग सारी इसकी बढ़ जाती है ना, ये चीजें अच्छी मतलब। ये देख सकते हैं ये फिनिशिंग, ये कारीगरी आप लोगों को यहीं पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलनी है। मतलब इतना डिटेल वर्क देखिए इस तरीके से आप लोगों को सर के पास ही देखिए फर्नीचर जबरदस्त यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ ये देखिए आप सर, सॉलिड क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि ये सॉलिड, इसमें पिलर लगाया गया है, इसमें 4 पिलर लगे हैं, तो इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है सर। अच्छा, और इसकी फिनिशिंग भी आप दे सकते हैं। ये जाली पूरी काटी गई है, जो पुराने टाइम में जो इसकी आर्ट थी हमारी, बिल्कुल, वो आर्ट दर्शाया जाता है सर। सर सहारनपुर में हम लोग क्या ना अपनी आर्ट बचाने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं ठीक बात है कि हमारी आर्ट जो बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस तरह का वर्क आप लोगों को देखिए बेहतरीन मिलने वाला है यहाँ पर। अब इस तरह का अगर कोई मेक टू ऑर्डर भी करवाना चाहे तो सारा कर देते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, ये भी ऑर्डर पे ही बना है, इसमें डिजाइन आप हमें जो देंगे हम वो आपको बना के देंगे। ओके। अच्छा सर, जैसे मान लो कोई ऑर्डर करवाता है या कोई किसी भी चीज़ का ऑर्डर देता है, फर्नीचर हो गया, सोफा हो गया, कुछ भी हो गया, कितना टाइम लग जाता है बनने में? सर जैसे कि आप हमें एक एक आइटम का ऑर्डर देते हैं या पूरे घर का देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 महीना लगता है अगर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑर्डर पर बनाया जाता है आराम से। और अच्छा, अगर आप एक आध आइटम में 10-20 दिन में भी दे देते हैं। ओके ओके, डिपेंड करता है क्या चीज़ है। जी जी, वर्क पर डिपेंड करेगा। ओके, इस तरीके से देखिए आप लोगों को काफी वैरायटीज यहाँ पे मिलने वाली डाइनिंग टेबल की। अंडर प्रोसेसिंग काम चल रहा है सर। अच्छा जी जी, इस पर कलर क्या ना हो गया है, ये ऑर्डर का ही है। अच्छा, और एक सर मैं आपको एक अच्छा सोफा दिखाने वाला, जो कि सहारनपुर में मूढ़ा बोला जाता है, मूढ़ा सोफा। पूरा डिटेलिंग वर्क है इसके अंदर, आप देखिए पास से आके दिखाइए। इसका काउच है सर, 3 सीटर काउच है पूरा। देखिए कितना इसमें जाली का मतलब कितना टाइम लगता होगा सर, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब बेहतरीन देख सकते हैं दोस्तों, टाइम टेकिंग मतलब काफी होगा, देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए सर, टाइमिंग इसलिए लगती है क्योंकि पूरा हाथ से होता है, मशीन से काम नहीं होता। बिल्कुल, ये देखिए क्या बात है, मतलब कैसे कैसे बनाया गया होगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। देख सकते हैं इस तरीके से कितनी मैन पावर इसमें लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी देखिए डिजाइन को पूरा बनाने में। ये देख सकते हैं आप लोग। जी जी, ये आगे भी, और ये इसका 5 सीटर रखा हुआ है सर। अच्छा, ये पूरा सेट है इसका। अच्छा, टेबल भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये 1 सीटर 1, 3 और 3। अच्छा, 3+1+1+3 काउच एंड टेबल 5x3। अच्छा, टेबल भी रहेगी इसमें। जी जी, ओके। ये टेबल भी है देखिए इसकी, और इसका भी आप काम देखिए, ये ग्रेड में है पूरा सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए थोड़ा सा आपको पास से और दिखा दे रहा हूँ मैं। टीक वुड का ही दे रखा है सर। जी टीक वुड है सर। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ए ग्रेड क्या होता है, बी ग्रेड क्या होता है। जैसे कि ये टेबल है अभी क्या है ना, इस पर तो पॉलिश हो गया तो पता नहीं चल रहा है कि ए ग्रेड है या बी ग्रेड। सही बात है। तो आप अगर अच्छे प्रोडक्ट देखना चाहते हैं एक्चुअल में क्या है, तो आपको रॉ देखना पड़ेगा, उससे ही आपको समझ आएगा कि ए ग्रेड क्या है और बी ग्रेड क्या है। ये लखनऊ का ऑर्डर है, ये ए ग्रेड है हमारे पास, ज्यादातर आपको ए ग्रेड ही मिलेगा। लेकिन ए ग्रेड में कैसे आपको बता सकता हूँ, वो आपको मैं बता सकता हूँ रॉ मटेरियल से। आप वर्क देखिए इसका कितना मतलब बारीक वर्क किया गया है, इसमें टाइमिंग लगता है सर। और ये कंप्लीट आप फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत रॉयल शॉप है। रॉ में समझ नहीं आता है कि मतलब एक्चुअल में चीज दिखेगी क्या, लेकिन आपको वुड का पता चल जाता है। बिल्कुल, टकाई सहारनपुर की लैंग्वेज में टकाई है ये। अच्छा जी जी जी, क्या बात है, देखिए कितना मतलब डिटेलिंग वर्क है। और चेयर भी देखिए सर इसका, चेयर तो आप कोई भी किसी के साथ लगा सकते हैं। इसका लेग मैच किया जाता है सर, टेबल का लेग जो है वही चेयर का लेग, चेयर से लेग से मैच होना चाहिए। जी जी, और सॉलिड वुड में सर, वुडन टॉप दिया गया है। ये किस में है सर? ये शीशम में? शीशम वुड है सर। शीशम वुड है, शीशम वुड भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है शीशम वुड में। और ये साइड टेबल है बेड की आप। अच्छा, ये साइड टेबल है सारी? जी सर, ऑर्डर का है पूरा। अच्छा जी, ये साइड टेबल है, टीक और शीशम दोनों में है ये। वाओ,
मतलब हर जगह दोस्तों देखिए इस तरीके से कार्विंग का पूरा काम कर रखा है, ये देख सकते हैं। अलग अलग डिजाइन्स में देखिए आप लोगों को साइड टेबल्स ये सारे मिल जाएगी। सर इंटीरियर्स के लिए भी हम काम कर रहे हैं, आप इंटीरियर्स के कुछ ऑर्डर आते हैं कि आप मैक टू ऑर्डर बनाइए हमारे लिए, ठीक है, तो वो बना दे। जैसे अच्छा, कि वो हो जाता है। एक कस्टमर का पूरा बंगले का ऑर्डर किया है, पूरा घर का फर्नीचर अच्छा बनाया हमने, स्टेयर से लेके उनके घर में थ्रोन चेयर तक हमने बना के दिया। जैसे कि ये डाइनिंग चेयर आप देखिए, इसमें एनिमल्स बनाए गए हैं। अरे वाह। और इसका काम भी दिखाइए, ये वाला सर, ये काम देखिए क्या बात है। और इसकी थिकनेस भी देखिए सर आप, ठीक है, मतलब सॉलिड है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी हैवी। देखिए इस तरीके से आप लोगों को देखिए चेयर की डिजाइन यहाँ पे मिल रही है। अभी इसमें फोमिंग लगेगी, कुशिंग लगेगी, तो और थोड़ा सा हैवी है, हो जाएगा, क्या बात है। मतलब स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फ्रेम देख सकते हैं, मतलब कोई भी हल्का काम इसमें नहीं किया गया है। ये देख लीजिए थिकनेस मोटाई से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। ये देखिए वैरायटीज ऑफ फर्नीचर्स आप लोगों को सर के पास सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। सर आर्मरेस्ट चेयर दिखाता हूँ मैं आपको, जो आर्मरेस्ट चेयर होती है, देखिए सर ये आर्मरेस्ट चेयर है, ये ठीक है। जैसे कि ये देखिए चेयर सर, अच्छा क्या बात है, बहुत ही शानदार। अलग अलग डिजाइन ही सारे मिल जाती है इसके अंदर। बिल्कुल सर, आप वो इसका टू सीटर है, ये वन सीटर है, ये ऑर्डर है, ये भी फोर सीटर। अच्छा अच्छा, ये हैदराबाद का ऑर्डर है, मतलब ये सोफा ही हो जाएगा ना ये भी एक तरह से। जी ये सोफा है सर। ओके, कस्टमर की जो चॉइस होती है टेस्ट के हिसाब से ही उनके काम किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये अब आगे काउच सर, काउच जो दीवान होते हैं सिंगल, कोई दीवान लेना चाहता है या सेट के साथ लेना चाहता है, अलग अलग डिजाइन के हिसाब से है। ये एक डिजाइन ये है सर। अच्छा ये देखिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, देखिए आप लोगों को डिजाइनिंग सारी मिल जाएगी सर के पास। शीशम वुड में आ गया, जो शीशम वुड में, जी शीशम वुड भी अच्छा होता है, पूरा सॉलिड वुड होता है, शीशम और टीक से अच्छा वुड होता ही नहीं है। सही बात है, फर्नीचर में तो बेसिकली यही दो वुड इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए अलग अलग साइज के आप लोगों को देखिए सारे यहाँ पे पैटर्न मिलने वाले हैं। अच्छा ये भी काउच ही दे रखा है सर, ये काउच के साथ सोफा कम बेड दिया गया, देखिए निकल जाता है। अच्छा सोफा कम बेड है ये? जी जी। अच्छा ये पूरा खुल जाएगा बाहर? ये बाहर निकल जाएगा, अभी स्पेस नहीं है था। अभी व्हील वगैरह लगेगा इसमें? जी जी जी। ओके क्या बात है, व्हील लगा हुआ है सर। अच्छा, लेकिन ये है कि अभी स्पेस नहीं है यहाँ दिखाने के लिए। ये दिल वाले सोफे का बनाया गया है। अच्छा जी, ये भी बड़ी शानदार आइटम है, अभी अभी बात है मार्केट के अंदर। ये भी एक और डिजाइन देखिए आप लोगों को इस तरीके से, ये भी सोफा कम बेड ही दे रखा है। ये भी सोफा कम बेड है, डिजाइन अच्छा। आप कोई भी बनवा सकते हैं, और आजकल ऐसे भी कस्टमर यूज कर रहे हैं कि ये थ्री सीटर में सोफा कम बेड यूज कर लेते हैं और सोफे में भी, और साथ में इसके सिंगल चेयर लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से ही मिल जाएंगे, मतलब डिजाइनिंग काफी आप लोग को सर के पास यहाँ पे मिलने वाली है। अभी मैं बेड दिखा रहा हूँ लाइट कार्विंग में, ज्यादा हैवी में नहीं हम दिखा रहे क्योंकि कस्टमर कुछ लोग हैं कि उनकी थीम के हिसाब से वो चाहते हैं कि हमारा घर बल्क मतलब भारी ना दिखे। उनकी थीम ऐसी होती है कि कार्विंग लाइट चाहिए, ठीक है जी। ये डिको होगा इस पे, इसका कैटलॉग का फोटो है पूरा। ओके, ऑर्डर आया तो मैं बनाया हमने ये ऑर्डर। अच्छा जी जी जी। और कम सर के हिसाब से देखिए दोस्तों, कम कार्विंग है लेकिन हमारे हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं पूरी कार्विंग वर्क ही इसमें देखिए आप लोग को पूरा मिल रहा है, मतलब बेहतरीन शानदार, देखिए कितना ज़बरदस्त बना रखा है। अच्छा बेड जैसे आप ये दिखा रहे हैं तो ये कितने से, मतलब स्टार्टिंग कितने से मिल जाएगा सर? सर 45-55 हज़ार तक मिल जाता है, फिर अगर आप इसमें फैब्रिक क्या यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग क्या करते हैं, डिपेंड करेगा। जी जी, क्योंकि सिरका का जो मटेरियल होता है वो महंगा होता है, ठीक है, और उससे हल्के भी आते हैं, तो आप जैसा आप हमें बोलेंगे वैसा मटेरियल यूज़ होगा उसमें। बॉक्स तो नॉर्मली होता है ना इसमें? जी नॉर्मली होता है, लेकिन उसमें भी कार्विंग का। अच्छा उसमें भी कार्विंग वर्क है। ओके, अच्छा साइड में देखिए कार्विंग वर्क देखिए इस तरीके से पूरा कर रखा है। जी जी, क्या बात है ना, दिख नहीं पा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए सर मैं आपको। बहुत ही शानदार, वो एक अच्छा सोफा दिखा रहा हूँ, ये तो दिल वाले रेगुलर सोफे हैं, ये भी एक मार्केट में नया है, वो हमने बनाया है। अच्छा जी, ऑर्डर लखनऊ का पूरा ऑर्डर है। ओके, और एक ये सोफा है देखिए, ये टीक वुड है, देखिए इसकी कार्विंग आप देखिए शानदार, पास से जाके बिल्कुल फिनिशिंग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बना रखा है। ये देखिए पूरा फ्लोरल डिजाइन, लीफ डिजाइन देखिए इस तरीके से सर, सबका मैचिंग किया जाता है। फिर हाँ। इसका एक काउच बना है मैचिंग के हिसाब से। अच्छा। मैचिंग क्या होता है मैं बताता हूँ, और ए ग्रेड, तो ये ए ग्रेड आप समझ सकते हैं कि जिसमें ग्रेन्स दिखेंगे और व्हाइटनेस ना हो, तो वो ए ग्रेड होगा। ए ग्रेड कहा जाएगा, अगर बी ग्रेड में आप व्हाइट आ जाएगा। हाँ। ये कस्टमर ध्यान रखे, जहाँ से भी लें वो मुझसे लें या किसी और से लें। जैसे ये है एक, हाँ। ये देखिए काउच, ये इसका इसमें कार्विंग जो किया गया है, फिर इसका मैचिंग का कार्विंग, अच्छा, मैचिंग बना रखा है। जी जी, ये इसका ही काउच है, बहुत ही बढ़िया। जी जी, और ये काउच उस सोफे का है। अच्छा ये उसका, हाँ डिजाइन ठीक बात है। जी जी, ये जो फ्लोरल डिजाइन है दोस्तों देख सकते हैं, ये दिखाया था थोड़ा सा, ये जो डिजाइन है ये आपको देखिए उस सोफे में, ये आपको ये मैचिंग मिल रही है, तो ये चीज आप इसके हिसाब से जैसा भी होगा पूरा सेट बन जाता है ये। अब आपको एक मजेदार चीज बताने वाला हूँ सर, मैं पुणे के अंदर, ये पुणे का ऑर्डर है। अच्छा जी, हाँ हमारी मैम है पुणे से, हैं वो गरीब मैम है,
तो उनका क्या था कि उन्होंने ये ऑर्डर पुणे में कराया, मतलब उन्होंने किसी को वहाँ पे शोरूम में ऑर्डर दिया, तो उन्होंने इसके 3 गुना रेट दिया। फिर उन्होंने कॉन्टेक्ट मुझे कर लिया, मेरा कोई वीडियो देखा होगा या कहीं से नंबर मिला होगा ऑनलाइन, तो फिर मैंने उन्हें बना के दिया एक रेट टी वुड में, और काम भी उन्हें पसंद आया और रीजनेबल रेट। अरे वाह क्या बात है, मतलब पुणे से भी देखिए दोस्तों सर के पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ओवर कनाडा भी भेजा हुआ है हमने, लोग मंगाते रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग दे रखी है, तो हर जगह से आप लोग मेक टू ऑर्डर करवा सकते हैं। सर ये देखिए पॉलिश का काम चल रहा है ये। अच्छा ये बेड है यहाँ पर? जी हैवी बेड है। क्या बात है, देखिए सर कितना महाराजा है, इस पर गोल्डन पॉलिश कराइए, नेचुरल टीक कलर कराइए, ये टीक का लकड़ी है, लेकिन कस्टमर ने इस पे शीशम पॉलिश कराया। अच्छा रेड में कराया है? रेड में करा, उनका टेस्ट ही मतलब ऐसा था तो वैसा ही बनाया गया। राइट, ये देखिए काम देखिए दोस्तों, बारीकियां देखिए, डिटेल्ड वर्क देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, मतलब मुझे तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। ये देखिए डबल बेड। ओ सर एक और बेड है। अच्छा ये भी है, लेटेस्ट चला है अभी चीज़, है ना कि क्या ना, यहाँ पे कुल्टिंग किया जाता है कुछ नहीं का काम, उससे और भी लुक आती है, और फ्रंट जो इसकी छोटी साइड है जो फुट 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 की तरफ जो होता है, ये देखिए इसमें नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा हैवी दिखता है इस चीज़ से। राइट राइट जी, ये चीज़ें आपको ना जब पूरी कम्प्लीट हो जाती तब फिर रॉयल दिखती है सर। बिल्कुल जी, इसमें कुल्टिंग वर्क करके देख सकते हैं दोस्तों, डिजाइनिंग आप बेहतरीन बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए डबल बेड की काफी वैरायटी सर के पास मिल जाएगी। यहाँ पे बेड है ये ना, मतलब रखे हुए ये 3 बेड है, इसके पीछे भी है। अच्छा 3 बेड है, हम दिखा नहीं पाएंगे, ये देखिए ऑर्डर का है सर सारा का सारा। अच्छा जी, ये टीक वुड के हैं और ये फिर शीशम वुड में आ जाते हैं हम इधर। हाँ। ये शीशम वुड है, शीशम वुड में थोड़ा सा रेडनेस बढ़ जाती है, जी लाली लाली होती है, लाली ऐसा बोला जाता है। ठीक बात है जी, बेड में आप हमें फोटो दीजिए वो ही बना के देंगे आप। बिल्कुल। अच्छा सर जैसे क्वालिटी में बात करूँ तो शीशम वुड ज़्यादा बेटर माना जाएगा या टीक वुड? सर टीक वुड बेटर होता है, टीक वुड बेटर है जी। टीक वुड कार्विंग में अगर आप फर्नीचर में जाते हैं तो टीक में जाइए, ठीक है। अगर शीशम को ऐसा बोला जाता है थोड़ा मजबूत लकड़ी होता है ऐसा बोला जाता है, जबकि जो लाइफ ज़्यादा होती है वो टीक की एक ग्रेड की होती है। बिल्कुल जी, ये देखिए डिज़ाइनिंग देख सकते हैं दोस्तों, फिनिशिंग देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब एक यूनिक डिज़ाइन आप लोगों को सर के पास यहाँ मिलने वाली है। देखिए सर एक ये इसके पीछे रखा हुआ है। अच्छा जी क्या बात है, हैवी देख सकते हैं दोस्तों, हैवी देखिए, पूरा हेड में बना रखा है, पीछे भी रखा हुआ है देखिए। अरे भाई ये देखिए, तो सर क्या है ना बल्क में रख के रखते हैं, फिर पॉलिश के टाइम निकलते हैं तो पॉलिश हो गए फिर फाइनल बिल्कुल जाता है। अच्छा साइज सेम रहता है 6x6? 6 देखिए क्वीन साइज किंग साइज जो मिल जाएगा। हाँ जो आप कुछ लोग और भी छोटा बनवाते हैं 5x6 का बनवाते हैं, 5x6.5 वो तो कस्टमाइजेशन हो जाता है, यही फायदा है मैन्युफैक्चरिंग होने का और फैक्ट्री से लेने का। राइट राइट, और सर ये एक डिजाइन देख रहा हूँ थोड़ा सा हल्का काम कर रखा है इसमें। जी ये थोड़ा लाइट कार्विंग है, कस्टमर का चॉइस होता है अपना अपना। बिल्कुल, और इस सबसे अच्छा बेड दिखाता हूँ सर, ये देखिए इसकी कार्विंग भी देखिए आप, इसकी वुड भी देखिए आप, ओके देखिए इसकी इसकी कार्विंग की फिनिशिंग देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी फैक्ट्री में रखे हैं तो थोड़ा सा डस्ट भी रहता है सर। राइट, फिर पॉलिश के टाइम पॉलिशिंग फिनिशिंग होने के बाद दोस्तों एक डिफरेंट लुक आप लोगों को देखिए डबल बेड की मिलने वाली इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन आप लोगों को सारी मिल जाएगी। ये शीशम वुड में डिटेलिंग वर्क किया गया है थोड़ा। अच्छा कार्विंग का काम ज्यादा है इसके, ओके इसमें रोज डिजाइन वगैरह देखिए इस तरीके से पूरा बना रखा है, मतलब देख सकते हैं कितनी थिकनेस आप लोगों को देखिए इस तरीके से आप लोगों को वुडन में मिलने वाली है। ये देखिए कितना हैवी पूरा देखिए यहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल कर रखा है, साइड से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो आप बहुत ही बढ़िया सर। यही जो आपको मैंने सागवान में दिखाया पहले, फिर मैं शीशम में दिखाता हूँ, सेम डिजाइन वही शीशम। अच्छा ये पीछे एक शीशम में रखा हुआ है। जी जी, ओके। और वो मूडे का बेड जो मूडे का जाली वाला हाँ, का दिखाया था। अच्छा ये उसका बेड है। ओए होए ये लो जी देखो, कोई भी एक हमें आप कार्विंग दीजिए पूरा वर्क उस पे हो जाता है। बिल्कुल, एक कस्टमर ने हमें क्या ना सोफे का डिजाइन दिखाया था, फिर उनका बेड डाइनिंग टेबल उसी का मैचिंग करके बनाया जाता है, ओके, ताकि कस्टमर को क्या ना अच्छा भी लगे घर में सारी चीजें सिमिलर है। तो सर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मतलब एक लकड़ी से एक प्रोडक्ट तैयार होता है। अच्छा, प्रॉपर ड्राइंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर और पार्ट्स में लकड़ी रखी रहती है। जैसे ये टीक वुड रखा हुआ है जी, जो कि ये तो बार बन रहा है अभी। अच्छा, ये असेंबल होना है मतलब, फिर ये दिखती है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसे बनता है। मैं ये दिखाने के लिए आपको फैक्ट्री लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दोस्तों इस तरीके से देखिए
रॉ फॉर्म में देखिए इस तरीके से वुड होती है, पूरी डिजाइनिंग शेप वगैरह दी जाती है, आप लोग को ये देख सकते हैं इस तरीके से। सर बहुत ही बेहतरीन मंदिर, मंदिर है ये, मंदिर बन रहा है ये। अच्छा मंदिर बना रहे हैं यहाँ पर, दिवाली के लिए ऑर्डर की लाइन लगी हुई मंदिरों की, मतलब ओके। ये जाली है, साइड की जाली है जी। तो ये मैं लेकर आया हूँ कि मतलब आपको दिखा सकूँ कि कौन सा वुड लगाया जाता है एक्चुअल में। अच्छा, प्रोडक्ट जहाँ से बन के निकलता है। ये सिंगल पिलर है जो मंदिर में सामने के साइड में लगता है, और टीक वुड की देखिए लकड़ी देखिए, ये होती है टीक वुड। क्या बात, लोग ना आजकल ग्रीन देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त ग्रीन आप लोग देखिए इस तरीके से मिल रहा है। और लोग आजकल क्या है ना, MDF में भी फर्नीचर बना रहे हैं। हाँ जी, और यहाँ तक कि उसे पेंट पे लाइनिंग कर देते हैं, बोल देते हैं टीक वुड है। सर वो तो बना दिया जाता है। कैसा भी यहाँ पे बेड बनाए जाते हैं, मतलब बेड की कार्विंग की जाती है। बेड में ज्यादा वर्क जो होता है वो कार्विंग का वर्क होता है। ओके, और हाथ से कैसे वर्क होता है ये मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये भाई है जी, ये मतलब इनके अंदर कला है, लेकिन ये कला क्या है ना, छिपी हुई है सहारनपुर के अंदर। ये कार्विंग का वर्क देखिए इस तरीके से किया जाता है, ये देख सकते हैं सर। यही वो प्रोडक्ट है जहाँ लोग अच्छे अच्छे रेट मतलब शोरूम में रख के लेते हैं। यही वो काम है। देखिए ये सहारनपुर के अंदर पूरा हेडबोर्ड देखिए इस तरीके से, देखिए पहले प्लेन वुड होता है उस तरीके से, उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए हैंड वर्क की, देखिए इस तरीके से पूरी कार्विंग की जाती है। प्रेसिंग होगी इसके ऊपर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मेहनत लगती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर ड्राइंग चिपकाई जाती है। जैसे कि ये देखिए सर, ये इधर रखा हुआ है, इस पर ड्राइंग देखिए चिपकाया गया है। अच्छा, फिर जो यहाँ पे आप फूल पत्ती देख रहे हैं कार्विंग, यहाँ पे इसको वुड इसमें प्रेस किया जाएगा, मतलब इसको पेस्टिंग किया जाएगा, फिर उसके अंदर से कार्विंग किया जाएगा। ऐसा होता है, जैसे ये भाई कर रहे हैं शाहिद भाई, ये देखिए हाथ से काम किया जाता है, मतलब मेहनत लगती है इन लोगों की। ऐसा नहीं है कि ये एकदम काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और दोस्तों आप लोगों को पूरा देखिए प्रोसेस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए वुडन का यहाँ पर देख सकते हैं कार्विंग वर्क किया जाता है। ये देखिए मैं बिल्कुल आपको जमीनी हकीकत पर लेके आया हूँ सर, पूरी फैक्ट्री का हम टूर करा दे रहे हैं कि फर्नीचर किस तरीके से, कितनी मेहनत से देखिए सर, ये लैक्स है, देखिए फिनिशिंग देखिए, और टीक वुड है देखिए, और क्या ना कर्म में है तो वेस्टेज भी होता है वुड का। बिल्कुल जी, ड्राइंग कैसे बनाया जाता है देखिए, ड्राइंग प्रॉपर ऐसे बनाया जाता है किसी भी, ये मंदिर का ड्राइंग बन रहा है सर। अच्छा, प्रॉपर ये ड्राइंग होगा, फिर ये वुड के ऊपर पेस्ट होगा, फिर उसकी कार्विंग की जाएगी, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग होती है। मतलब ओरिजिनल ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ओरिजिनल में, शोरूम नहीं है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री प्राइस पे इसलिए हम आपको प्रोडक्ट दे पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जाली जो कटती है वुड के अंदर वो इस मशीन से कटती है। अच्छा, पूरा हैंड वर्क है। ओके, ऐसे जाली कटेगी, ये भैया काट रहे हैं। ओके जी, पूरा मतलब लेंथी प्रोसेस है, डिटेलिंग वर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और फिर ऐसे प्रोडक्ट एक्चुअल में ऐसा दिखता है। ये टेबल बन रहा है नीचे का, ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ना सही से दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये क्या ना असेंबल नहीं हुए। हाँ, वर्किंग में है मतलब। और फिर ये भाई ऐसे कार्विंग का काम करते हैं, तो ये मंदिर के टॉप है मतलब, ठीक है, फिर यहाँ पे पेस्टिंग होगी, एनिमल्स बनेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर बन के जाता है, फिर दूसरी फैक्ट्री में पॉलिश और कुशन अपहोल्स्ट्री वगैरह होती है, फिर डिस्पैच होता है, फिर होम डिलीवरी होती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सर के शोरूम में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर अभी रेडी में हम क्या क्या दिखाएंगे यहाँ पे? सर रेडी में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑर्डर की बनी हुई है। अच्छा जी, ये टीक वुड का सोफ़ा है, 7 सीटर सोफ़ा है, ये अभी डिस्पैच होने से पहले इसकी फाइनल जो पॉलिश होती है, मेलामाइन पॉलिश और पीयू पॉलिश होती है। ओके, इस पे पीयू पॉलिश की गई है, तो इस पे पीयू का लास्ट में फिनिशिंग होगी सर। अच्छा, फिनिशिंग अभी होनी बची है। जी जी, डिस्पैच से एक दिन पहले होती है। क्या बात है दोस्तों, देखिए इस तरीके से देखिए काम देख सकते हैं आप लोग, बारीक और डिटेल्ड वर्क देखिए, पूरा कार्विंग का ही वर्क दे रखा है सर इसके अंदर। सर हमारी जो खासियत है, जो हमारा स्पेशल वर्क है, वो कार्विंग के अंदर, कार्विंग का ही, कार्विंग में ही स्पेशलाइज्ड है सर, देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, देखिए ये देख सकते हैं कितना बारीक और डिटेल, देखिए इस तरीके से कारीगरी आप लोगों को सहारनपुर में ही मिलने वाली है। ये देखिए मतलब 3 सीटर ये हो गया, 2 सीटर ये, और इसके पीछे 1-1 सीटर आप लोगों का एक और ये देखिए रखा हुआ है। अच्छा, जैसे हमने अभी सर रॉ फॉर्म दिखाया है, स्ट्रक्चर दिखाया हमने, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से देखिए, मतलब फोम और कुशन वगैरह लग करके पूरी ये लुक आने वाली है। सर इसमें क्या है ना, इसमें हमने 40 डेंसिटी की गद्दी यूज की है, इसमें लोग हल्की भी करते हैं तो उसके हिसाब से प्राइस भी वेरी करते हैं। ओके बिल्कुल जी, और फैब्रिक वगैरह बात करो सर, फैब्रिक क्या लगा हुआ है इसमें? सर इसमें हॉलैंड लगा हुआ है, जकार्ड भी लगाते हैं हम लोग, ये हॉलैंड है, स्वेट हॉलैंड जकार्ड। अच्छा, जैसा कस्टमर बोलता है कस्टमाइजेशन होता है हमारे, ऑर्डर पे बनाया जाता है सब। क्या बात है, बहुत ही शानदार, देखिए दोस्तों इस तरीके से ये पूरा टीक वुड का ही दे रखा है सर ये? जी सर, ये टीक वुड का है, ए ग्रेड टीक वुड। ओके,
और सर जैसे मान लीजिए कॉस्टिंग की बात करूं तो मतलब नियर अबाउट क्या कॉस्ट पड़ जाएगी ये 7 सीटर की? पर सीट के हिसाब से चलता है सर, 8,000 पर सीट। जैसा आप मतलब उसमें कस्टमाइजेशन में आप हमें चीजें बताएंगे उसी हिसाब से रेट बढ़ेगा भी और घटेगा भी सर। ठीक है जी, ओके। अप्रोक्स मान के चलिए ये सोफा आपको 5 सीटर 35,000-40,000 से स्टार्ट हो जाता है और 60,000-70,000 तक भी रेंज जाती है सर, ऐसा रहता है। ओके, मतलब 35,000 से कोई स्टार्टिंग बनवा सकता है इसमें आपको? जी जी, क्वालिटी के हिसाब से फिर रेट बढ़ जाते हैं। ये कंसोल फ्रेम दिखा रहे हैं, शीशम वुड की है ये। ये सहारनपुर का मतलब सारी जितनी चीजें यहाँ पर रखी हुई ये सहारनपुर के रेगुलर और फेमस आइटम है, मतलब बजट में भी आ जाती है और अच्छी भी होती है। ओके, अगर कस्टमर हमसे मतलब डिलीवरी से पहले हमें जैसे चीजें बताते हैं वैसे हम उनका करके दे देते हैं। ओके, मतलब मेक टू ऑर्डर सारा हो जाता है। जी जी, कस्टमाइज का देख सकते हैं इस तरीके से सारा ऑप्शन आप लोगों को मिलने वाला है। ये देखिए कंसोल बना रखा है, ये मिरर देखिए काफी मतलब वाइड लुक में देखिए इस तरीके से पूरा आप लोगों को ये पूरा फ्रेम मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे डबल बेड वगैरह भी मिल जाएंगे सर आपके पास? सर डबल बेड भी मिल जाएंगे, वो क्या ना ज्यादा हम बना के रखते नहीं है क्योंकि वो स्पेस लेते हैं जी। वो डिस्पैच होते हैं मतलब पॉलिश के बाद एकदम डिस्पैच ही करना पड़ता है कि स्पेस ज्यादा लेते हैं जी। और ये सामान थोड़ा नॉर्मल है, हाई रेंज में भी जाता है, अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है आपको। बिल्कुल जी, वो आप ऑर्डर दे के हमें बनवा सकते हैं, टीको पेंट या टीक वुड में आप डिटेलिंग वर्क कितना भी दे सकते हैं। ओके, अच्छा सर जैसे ये आपने पूरा फ्रेम वगैरह बना दिया तो इसमें पॉलिशिंग और कोई कलर वगैरह चेंज कराना चाहे तो हो जाएगा सर? चेंज भी हो जाएगा, डीको पेंट में आप कोई भी कलर करा सकते हैं और ये फाइनल नहीं है अभी, क्या है ना डिस्पैच से पहले इस पे मेलामाइन पॉलिश या पीयू पॉलिश कराया जाता है, मतलब और थोड़ी सी और फिनिशिंग इसके अंदर आ जाएगी। बिल्कुल होगी सर, अभी तो फिनिशिंग बाकी है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों सहारनपुर की, देखिए दोस्तों यही खासियत है कि आपको देखिए कारविंग वर्क आप लोगों को हर जगह मिलेगा, मतलब जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं हर जगह देखिए बेहतरीन आप लोगों को देखिए कारीगरी, जो सहारनपुर की स्पेशलाइजेशन है वो पूरा आप लोगों को देखिए फर्नीचर्स में देखते ही आप लोगों को पता चलने वाला है। और काफ़ी हैवी देखिए इस तरीके से डाइनिंग टेबल आप लोगों को ये मिल जाएगा। डाइनिंग टेबल सर स्टार्टिंग कितने से हो जाएगा आपके पास? सर 45,000 से डाइनिंग टेबल 6 सीटर है। अच्छा, स्टार्टिंग है और शीशम वुड का प्योर, मतलब उसमें अच्छा कपड़ा लगाने के बाद। ठीक है जी, तो यहाँ पे काफ़ी देखिए वैरायटीज ऑफ फर्नीचर्स आप लोगों को सर के पास यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सोफा भी मिल जाएगा सर आपके पास? जी, ये शीशम वुड का है और आप इसकी थिकनेस देखिए, जकार्ड का कपड़ा लगाया गया, फोमिंग भी इसकी सॉलिड। ओके, स्लिप वेल की गद्दी लगाई गई। अरे वाह क्या बात, मतलब ब्रांडेड पूरा लगा हुआ है इसमें फोम वगैरह। जी जी, उसी हिसाब से रेट बढ़ते हैं और घटते हैं। जी जी जी, क्वालिटी के हिसाब से। क्या बात है, तो ये सोफा जो आप दिखा रहे हैं ये 5 सीटर है सर? जी जी। ठीक है, बहुत ही शानदार देखिए इस तरीके से। और लग वगैरह में बात करो तो मतलब पूरा फ्रेम ही आपका पूरा वुडन का ही दे रखा है इसके अंदर। सर फैक्ट्री प्राइस से लेने का यही फायदा है कि शोरूम और फैक्ट्री में रेट का डिफरेंस होता है, आधे ही रेट होते हैं लगभग। बिल्कुल बिल्कुल, नियर अबाउट यही चीज़ दोस्तों। अगर आप बड़े बड़े शोरूम पे लोगे तो लाख रुपए से ऊपर के रेंज में जाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर आप एक मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो काफ़ी आपको देखिए रीजनेबल रेट के साथ और फैक्ट्री प्राइस से बेसिकली सारा मिलने वाला है। ये देख सकते हैं काम देखिए। और सर एक और फायदा है फैक्ट्री से लेने का जी, कस्टमाइजेशन हो जाता है आपकी, आपको चॉइस मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप शोरूम में जाते हैं तो ये कपड़ा लगाओ मिल रहा है तो आपको यही लेना है। बिल्कुल, आप इसमें कलर भी चेंज करा सकते हैं, इसकी इसका थिकनेस, इसका आप साइज घटा सकते बढ़ा सकते जैसा आप चाहें वो करा सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अपने घर के स्पेस के हिसाब से। क्या बात है, शानदार देखिए दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को सोफा बेहतरीन पूरा मिलने वाला है और पूरा हैवी में है, मतलब ऐसा नहीं है कोई आपको हल्का काम करके दिया जा रहा है। क्या है ना थिकनेस इसकी 1.5 इंच है सर, इसी हिसाब से प्राइस क्या है ना घट जाते बढ़ जाते, अगर इसको मैं कम कर दूंगा इसकी मोटाई कम कर दूंगा सॉलिड ना रखूं जी तो फिर इसका रेट क्या ना कम हो जाता, थोड़ा कम हो जाएगा। राइट, अच्छा सर जैसे ये हम सोफा दिखा रहे हैं ये किस बजट में आप दे देंगे? सर देखिए ये थोड़ा सा आउट ऑफ बजट गया है, मतलब जैसे दिल वाला सोफा जैसे चलता है ये 45,000 नहीं 35 से भी स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी जी, ये 45 की रेंज में है? जी जी। क्या बात है, बेहतरीन देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप लोग देखिए फर्नीचर्स की एक से एक वैरायटीज यहाँ पे मिलने वाली है। तो डाइनिंग टेबल देख सकते हैं यहाँ पर कई रेंज और कई डिजाइन के आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सर ये एक ही कस्टमर का है, देखिए डाइनिंग टेबल पे वही सेम कपड़ा लगा है और भी। अच्छा, एक ही कस्टमर का यही है? जी, ये एक ही कस्टमर का है। और सर ऐसा भी रहता है अगर आप इसमें और थोड़ी चीजें बढ़ा देते हैं, मतलब जैसे कि इसकी क्वालिटी, जैसे कि क्वालिटी मतलब इसमें डिगो पेंट करा दे तो रेट और बढ़ेगा। ओके, ऐसा रहता है। बेड है, दिल्ली का ही ऑर्डर है। अच्छा, दिल्ली का ऑर्डर है। हाँ, पहले इन्होंने क्या किया था, कीर्ति नगर से बनवाया था कस्टमर ने ऐसा बताया। ठीक है, फिर क्या हुआ उनको मतलब वुड का क्या ना प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पे फिर पूरा ओरिजिनल टीक वुड में बनाया है ये। अच्छा, पूरा टीक वुड है? जी जी, मैट फिनिश है सर, ये डिको पेंट ग्रीन उनका ऐसा ही था। तो इसमें ये कैन किया गया, देसी कैन है ये, मतलब इसमें आप सिंगापुरी कैन अगर कर देते हैं तो वो क्या ना खराब हो जाती है, लेकिन इसकी 20 साल की गारंटी है, अगर खराब होता है तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। मतलब मैट ग्रीन में देखिए आप लें, यहाँ पर बेड बनाया हुआ है,
मेड टू ऑर्डर के देखिए इस तरीके से बेड है, जैसे कि इसका क्राउन है, तो उन्होंने बोला कि एक साइड टेबल हमें इसके मैचिंग के बना के दीजिए। अच्छा, तो फिर मैंने उस साइड टेबल का क्या है ना, इसमें ये काम किया है, सेम वही काम इसमें कर दिया, जिससे क्या है ना कस्टमर को मतलब मैचिंग हो जाए। क्या बात है जी जी दोस्तों, बहुत ही शानदार देखिए काम कर रखा है, मतलब फुटबोर्ड हेडबोर्ड में देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी खोजोगे तो इस तरह का डबल बेड आप लोगों को कहीं पर भी मिलने वाला है, यूनिक काम। सर ये जब चीजें फिट हो जाती है फिर ये दिखती है अच्छे घरों में जाने के बाद, अभी ये क्या है ना नॉर्मली दिख रहा है, जब ये फिट हो जाएगा फिर ये मस्त सी लुक देगा सर घर में जाने के बाद। क्या बात है सर, जैसे मान लो कोई ऑर्डर वगैरह दे तो कितने टाइम में आप रेडी करवा देते हैं कोई फर्नीचर वगैरह हो तो? सर डिपेंड करता है क्वांटिटी पे और वर्क पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका डिटेलिंग वर्क ज्यादा है जी तो उसमें टाइम थोड़ा लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम 45 दिन, एक महीना, दो महीना, यही इसी के अप्रोक्स आपका ऑर्डर हो जाता है। और डिलीवरीज आपने बताया, डिलीवरीज आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी? बिल्कुल सेफ डिलीवरी मिलेगी, पैकिंग भी अच्छी होती है। अच्छा जी, मतलब कोई ब्रेकेज वेकेज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई टूट फूट की दिक्कत है? सर अगर ऐसा होता तो अभी तक मार्केट में कैसे टिक पाते, तो ये काम होता ही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए भी जिम्मेदार हैं, खड़े हैं उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, जो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है या डिस्क्रिप्शन में आपने नंबर दिया है जी, तो हम आप कांटेक्ट करिए, ठीक है, तो हम आपको प्रोडक्ट अपने सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ जो हमारे पास है, ठीक है, या आप हमें अपना प्रोडक्ट दीजिए तो फिर उसको बनाया जाएगा, आपको अपडेट दिया जाएगा, ड्राइंग का अपडेट दिया जाएगा कि ड्राइंग प्रॉपर बनी, आपसे साइज लिया जाएगा पूरा, कैसे आपको क्या बनवाना है, ठीक है, फिर आपको स्ट्रक्चर का फोटो दिखाया जाएगा। ओके, और सर 50% एडवांस लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग में ना, ठीक है जी, मतलब पूरा प्रोसेस आपको एक एक स्टेप पे भाई स्टेप आपको दिखाया जाता है, होता है स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, फिर आपका डिस्पैच होने से पहले वीडियो शूट होता है जो हमारा यूट्यूब चैनल है जी, उस पर हमने वीडियो डाली हुई है, और कस्टमर मतलब प्रॉपर एक तरीके से सीक्वेंस से बेसिकली काम होता है ताकि आपका ऑर्डर आपको पसंद आए, आपके हिसाब से बने, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो। सर कंप्लीट करने से पहले आपके घर पे वीडियो जाता है जी कि आपका फर्नीचर ऐसा बना है, तो फिर कस्टमर क्या है ना ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता है कि कलर या कुछ भी वो फिर हो जाता है। बिल्कुल, और आप कुछ भी अगर आपको मेड टू ऑर्डर बनवाना हो, कस्टमाइज कराना हो, या अपने घर को पूरा वुडन फर्नीचर करवाना हो, तो हर चीज़ आप लोग सर से कस्टमाइज करा सकते हैं। हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक में पॉलिश का काम होता है, यहाँ पे स्टोर है ये, ठीक है, यहाँ पे कुशनिंग का काम होता है, तो हम सहारनपुर, आप सहारनपुर आ जाइए तो प्रॉपर, या तो मेरा बंदा आपको कार से लेने जा सकता है किसी एक लोकेशन, ठीक है, सहारनपुर चिलकाना रोड पर हमारी ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो आपको लेने जाते हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको दिखाया जाता है स्ट्रक्चर दिखाया जाता है कि आप शोरूम ना देख के वीडियो में ये देख सके कि आपको एक्चुअल में वुड क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से भी आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपके साथ चीटिंग ना हो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को प्रॉपर रॉ फॉर्म दिखाया जाता है, फिर कंप्लीट करके सारी चीज़ें आप लोगों को हिसाब से पूरी मिलने वाली हैं यहाँ पर। तो किसी को भी फर्नीचर बनवाना हो आप लोग सर से कॉन्टैक्ट करिए, बेहतरीन क्वालिटी में आप लोगों को सबसे लोएस्ट प्राइस में आप लोगों को फर्नीचर्स मिलने वाला है सहारनपुर वुडन फर्नीचर से।